पिछले 15 दिनों से बलूचिस्तान में घूम रहा हूं, लेकिन ये जगह वन ऑफ माय फेवरेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिल जिसका नाम है कुंडमलीर। कुंडमलीर में देखने के लिए क्या क्या है वो तो आपने पिछली स्टोरी में देखा होगा। यहाँ पर होटल बहुत महंगे हैं भाई साहब, तो मैंने अपना टेंट लगाया था, रात मैंने उसमें गुजारी और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा उरमाड़ा की तरफ। उरमाड़ा यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर है, लेकिन इसके दरमियान में जो खूबसूरत इलाके हैं, जो खूबसूरत पहाड़ है, जो खूबसूरत कोस्टल हाईवे है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। कोस्टल हाईवे की अगर सफ़र की मैं बात करूं तो सफ़र इसका काफ़ी आरामदेह है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है इसमें कुछ खामियां है। मेरा ख़्याल है कि बोजी टॉप का इलाका शुरू हो गया है। बहुत अनसेफ चढ़ाई है यार, ख़ासकर जो बड़े गाड़ियां हैं ना उसके लिए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप देख सकते हैं सामने टैंकर को कि वो कितनी मुश्किल से उतरने की कोशिश कर रहा है, पहले गियर में उतर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर क्यों खड़ी है। असल में जब बड़ी गाड़ी आती है ना लोड, तो वो इन चढ़ाई ऊपर चढ़ने में उनको मुश्किल होती है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं 2-3 हज़ार रुपये लेके इनको चढ़ाते हैं। जैसे कि अभी ये टैंकर हो गया, ये भी नेक्स्ट जो चढ़ाई है बहुत मुश्किल है, तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये लेते हैं, फिर गाड़ियों को ऊपर लेके जाते हैं। अब बोजी टॉप यहाँ से आगे हैं, अभी मैंने यहाँ पर एक बंदा है उससे पूछ लिया, वो कह रहा है तकरीबन 10 किलोमीटर आगे हैं, लेकिन चढ़ाइयाँ शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप पहाड़ देख सकते हैं यार, क्या अजीब गरीब पहाड़ है यहाँ के। अच्छा जी, कह रहा है कि सामने मत आओ। कोस्टल हाईवे पर आपको हर तरफ इसी तरह हैरान करने वाले मनाजिर मिलेंगे, हैरत में डालने वाले। अब ये पहाड़ देखिए जनाब, एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। बोजी टॉप का इलाका शुरू हो गया है। ये पहाड़ आप देख सकते हैं, मतलब क्या खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है पानी ने, क्योंकि कई मिलियन साल पहले यहाँ पर पानी था और उस पानी की वजह से सारे डिज़ाइन बने हुए हैं। वैसे इससे अच्छी डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली स्टोरी देखिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार मुझे कोस्टल हाईवे पर समंदर नज़र आया। इस तरफ आप देख सकते हैं समंदर है और दूसरी तरफ देख सकते हैं पहाड़ है और सामने है कोस्टल हाईवे। ये सारा का सारा कोस्टल हाईवे इसी तरह बनना चाहिए था, क्योंकि कोस्टल हाईवे का मतलब ही यही है कि रोड है जो बिल्कुल समंदर के किनारे चल रहा है।
अगर आपने मेरे थाईलैंड की सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने सफ़र किया था तकरीबन 800 किलोमीटर, और पूरे 800 किलोमीटर में आपको समंदर नज़र आता है। मेरे पास पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर पेट्रोल डालता हूँ, लेकिन यहाँ के पेट्रोल से बहुत डर लगता है क्योंकि ईरानी है ना, और वो साफ़ नहीं होते तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है यार। लेकिन अभी मजबूरन डालना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल मिल जाएगा? पंप वाला तो पंप की मशीन के ऊपर बैठा हुआ है आराम से। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल कितने का है? 200 का लीटर। वो पाकिस्तानी पेट्रोल नहीं है आपके पास? पाकिस्तानी नहीं सर, ईरानी है। ये लो 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है जी, शुक्रिया। यहाँ से गुजरते हुए आपको हर पहाड़ में एक मुजस्मा नज़र आएगा, मुजस्मा नहीं बहुत सारे मुजस्मे नज़र आएंगे अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करते हैं तो। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा क्लियर भी है, काफ़ी मशहूर भी है, और उस मुजस्मे का नाम है प्रिंसेस ऑफ होप, इस तरह का कुछ नाम है इंग्लिश में, है ना, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी हैवी है। उर्दू में अगर हम बोले तो उम्मीदों की शहजादी। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, उसकी कहानी भी आपको बताने वाला हूँ कि उसकी कहानी क्या है। मैं बाइक को यहाँ पर खड़ा करता हूँ साये में, बलूचिस्तान सियाहत के लिहाज से एक हैरत कदा है, हर तरफ हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं। इस मकाम का मकामी नाम मिलान है, और यहाँ से गुजरते हुए दोनों तरफ किसी माहिर फनकार के हाथों तराशे हुए मुजस्मे कतार दर कतार खड़े हैं। 2002 में एंजेलिना जोली यहाँ से गुजर रही थी और उसने इस मुजस्मे को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। उर्दू में बोले तो उम्मीदों के शहजादे। कुछ लोगों के ख्याल में ये कोई पुराना मंदिर है, लेकिन हकीकत यह है कि मिलियन साल पहले यहाँ पर समंदर था, और पानी की कटाव की वजह से यह सारा नक्शनिगार बना हुआ है। यार बहुत बड़ा नट बोल्ट पड़ा था, और इससे किसी का भी टायर ख़त्म हो सकता है मुकम्मल तौर पे। किधर गया? हाँ ये है, ये देखो, चलो जी हो गया सेट। ये अगर ट्रक के टायर के नीचे आ गया तो समझो कि ट्रक का टायर ख़त्म हो गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खूबसूरत रोड है यार। अभी मैं पिछले 20 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा हूँ, बिल्कुल सीधा, मतलब एक इंच भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। और उरमाड़ा अभी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। और ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक दिख रहा है, कोई इसको हैमर कहता है कि मतलब ये हैमर की तरह लग रहा, और कोई इसको मम्मी कहते हैं कि मम्मी की तरह कोई लेटा हुआ है। यार मैंने तो सोचा था कि ये जो बीच है सामने जो आप देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर ड्रोन उड़ाऊंगा, ये सारा इलाका आपको दिखाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि ये आर्मी का इलाका है, यहाँ पर हर तरफ आर्मी है, ठीक है, तो इस इलाके में कैमरे वगैरह ड्रोन वगैरह सब कुछ मना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आगे और उरमाड़ा शहर है छोटा सा, वहाँ पर खाना खाता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टे करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से पसनी के लिए। पसनी यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर है, और मैंने इरादा किया था कि मैं आज रात यहाँ पर गुजारूँगा,
लेकिन मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है यार जहाँ पर हर तरफ हर चीज़ पर पाबंदी हो। मैं यहाँ से निकलूँगा पसनी के लिए। अच्छा था और माड़ा कोई बहुत बड़ा शहर होगा, लेकिन ये तो इतना छोटा सा शहर है और चंद दुकानें हैं यहाँ पर, तो और कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना हुआ कि बस पेट भर गया और खाना खा लिया और चाय पी ली बस। बाकी बहुत ही छोटा शहर है, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 40-50 दुकानें होंगे बस यहाँ पर। बाकी सारा का सारा इलाका जो VIP घर आपको देख रहे हैं, VIP तामीरात आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा आर्मी का है। इसलिए मैं शहर से जल्द निकल जाता हूँ। मैंने सोचा था आज रात मैं यहीं पर गुजारूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने पहुँचना है पसनी, और पसनी यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, 2.5-3 घंटे का रास्ता। अभी 3 बजे हैं, इंशाल्लाह शाम से पहले मैं पहुँच जाऊँगा पसनी। पसनी के बारे में मैंने सुना है कि वो एक तारीखी शहर है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो जनाबे वाला असर का टाइम हो गया है, और ये जगह जो है शाम की चाय पीने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और बाकी चाय के सामान तो मेरे पास पूरी तरह मौजूद है, लेकिन मेरे पास दूध नहीं है। सामने यहाँ पर एक दुकान है, वहाँ पर मिल्क पैक तो मिल जाएगा, लेकिन वो मिल्क पैक वाली चाय मुझे पसंद नहीं है, और दूध यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। और इस जगह का नाम भी बड़ा अजीब है, इस मकाम को कहते हैं शादी कोर। अब शादी कोर का मतलब क्या बनता है ये मेरे समझ में भी नहीं आता। यहाँ पर एक दो बंदों से मैंने पूछा, उनको भी समझ नहीं आया। कोर जो है बलूची लफ्ज़ में दरिया को कहते हैं, तो ठीक है दरिया तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शादी ये बलूची लफ्ज़ नहीं है, तो ये इसके साथ क्यों टच हो गया और इस जगह का नाम कैसे पड़ गया, इसके लिए मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ, और यहाँ के मकामी बंदे भी मुझे कुछ ख़ास नहीं बता सकते इसके बारे में। पसनी शहर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, खुश आमदीद कहते हैं। अभी तक हम शहर के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, और अभी मैं शहर के अंदर दाखिल होने वाला हूं, और रात भी मैं इधर ही गुजारूंगा, क्योंकि यह शहर है, यहां पर मुझे खाना भी मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बाईपास है, एक मिनट, अच्छा वो बाईपास है, और हम जाएँगे शहर के अंदर, तो रात में यहाँ पर गुजारूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाना भी मिलेगा, होटल भी मिलेगा, और मेरा जो इक्विपमेंट है वो भी चार्ज हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह अगली सुबह निकलेंगे सीधा गवादर की तरफ, और इस स्टोरी को भी पसनी शहर के अंदर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टोरी में आप इंशाल्लाह फिर गवादर में आपको दिखाऊँगा। ये बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, और ये उसके रोड्स की हालत है। मैंने सोचा था कराची में रोड नहीं है, लेकिन इसकी हालत कराची से भी ख़राब है। कराची के बाद जो सबसे पहला बड़ा शहर मुझे मिला है वो है जनाब पसनी। काफ़ी बड़ा शहर है, इतना तरक्की याफ्ता नहीं है ये आप देख सकते हैं, लेकिन बस कोस्टल हाईवे पर ये सबसे बड़ा शहर है। अब इसके बाद शायद गवादर बड़ा शहर हो, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है।
क्योंकि काफ़ी आबाद है, हर चीज़ मौजूद है। हमारे भाई जान यहाँ पर रिहायशी होटल किधर है? ये आगे होटल है। अच्छा शुक्रिया जी, शुक्रिया। सुबह बखैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजर गई खैरियत से, सुकून की नींद आ गई, बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और पसनी को एक्सप्लोर करूँगा। जी माशाल्लाह यहया खान की किस्मत देखो यार, क्या शानदार मौसम है आज, और मौसम ने कैसा इस्तकबाल किया है मेरा यार। अभी पिछले दो दिनों से बलूचिस्तान में थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल सूरज चाचा है ही नहीं। और अभी जिस पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ उसका नाम है कटाव पॉइंट, एक खूबसूरत साहिली इलाका है, वो देखेंगे। और उसके बाद दो पॉइंट और है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी कवर करूँ और फिर वहीं पर इस वीडियो का एंड कर दूँ, क्या ख्याल है? ओए होए क्या बात है जी, क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, कितने जल्दी और आसानी के साथ मैं कटाव पहुंच जाऊंगा। लो जी हम पहुंच गए हैं। साहिल का इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है लोगों ने यार। जी सर, कहाँ से विजिट करके आ रहे हैं? पेशावर से। पेशावर से निकले हो? जी जी। आप यहाँ क्यों? जी सर। कितना बाइक है? 150। जी जी जी। ये झींगा है ना? नहीं झींगा नहीं, ये केकड़ा है। अच्छा केकड़ा है। वहाँ का आपकी विजिट है देश पहले? यही बलूचिस्तान। बहुत सारे केकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये केकड़े है ना? अच्छा, और वो ये झींगा है। और ये क्या है? ये सोल पट्टी। सोल पट्टी या दूध पट्टी? बड़ी अजीब किस्म की मछली है, इस तरह की मछली मैंने नहीं देखी। हाँ जी ओ भाई जान, ये ना हो कि भाग जा यार, बल्लू तुम्हारे कैद से फरार। क्या अजीब मछली है यार, बहुत ही। इसके अंदर तो कांटा भी नहीं होगा ना? चाचा बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, लगता है आज कमाई बहुत हो गई है ना चाचा? बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल खामोश लोग हैं, शर्मीली टाइप के लोग हैं, आप उसके साथ बात ना करो तो आपके साथ बात भी नहीं करते। रुको, दूसरा पॉइंट जो पसनी शहर में बहुत मशहूर है और बहुत खूबसूरत भी है, और यकीन करें ये रेत है, और ऐसी खूबसूरत रेत आपने आज तक नहीं देखी होगी। अब मैं यहाँ पर किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ या इस तरफ? चलो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वैसे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बाइक को ऊपर ले जाऊँ पहाड़ के ऊपर, रेत है और रेत में क्लच ख़राब होने का ख़दशा है, और मेरे जो क्लच प्लेट है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो गए हैं, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट देखना चाहता हूँ जहाँ से ये, जहाँ पर ये रेत के ठेले अच्छी तरह नज़र आ जाए। नहीं 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 नहीं, दिल तो करता है कि मैं ऊपर जाऊँ लेकिन रिस्क नहीं ले सकता यार। चलो जी रिस्क ले लेता हूँ। ओए नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? क्यों नाराज़ नाराज़ हो यार? नहीं नाराज़ हूँ। हाँ
नाराज नहीं हो, खुश हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थोड़ा सा गाड़ी को पीछे खींचो। भाई आप गड्ढे की तरफ खींच रहे हो यार, इस तरफ खींचो, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा जान डालो यार, ऐसा ना करो यार, जवान आदमी हो यार, हैंडल सीधा करूंगा तो सीधा गड्ढे में गिर जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। चलो जी, ये है जनाब पसनी शहर का मशहूर रेत मस्तानी। और मुझे यकीन है कि इतना खूबसूरत गोल्डन डेजर्ट पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। ये रेत के ठेले 70 साल पहले इस शहर के लिए हीरो की हैसियत रखते थे, लेकिन आज ये ठेले विलन साबित हो गए हैं। 1945 को यहाँ पर 8.1 का जलजला आया था और पूरा शहर 15 फीट की बुलंद लहरों की नीचे दफन हो गया था। इस शहर में सिर्फ वो लोग बच गए जो रेत के इन ठेलों के ऊपर चढ़ गए। उस टाइम इन ठेलों की हैसियत हीरो की थी, लेकिन आजकल ये रेत के ठेले विलन बन गए हैं, क्योंकि हर मौसम गर्मा को ये 10 फीट आगे आबादी की तरफ बढ़ते हैं और अब तक सैकड़ों घर इस रेत के नीचे दफन हो गए हैं। पानी में डूबे हुए शहर तो आपने बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन ये शायद दुनिया का पहला शहर होगा जो चंद साल बाद रेत के नीचे दफन होने वाला है। पिछले 15 दिनों से बलूचिस्तान में घूम रहा हूं, लेकिन ये जगह वन ऑफ माय फेवरेट हो गया। आप मेरे पांव के नीचे देख सकते हैं गोल्डन रेत है, मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे घर हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर समंदर है, ताहद देने का गहरा समंदर, नीला समंदर। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगा। इस शहर का नाम है पसनी और ये जगह असर के टाइम चाय पीने के लिए ज़बरदस्त है, और कुछ लोग तो यहाँ पर दम किया हुआ पानी भी पीते हैं। मुझे मिल गया है सबूत, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब दम किया हुआ पानी। अब दम किया हुआ पानी क्या है, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है जी। और ये दम किया हुआ पानी मैडन मरी है, इसके ऊपर लिखा है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मरी सी ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई, क्या बात है जी। खैर जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने आज की आखिरी मंजिल जड्डी बीच, मेरे ख्याल से जड्डी बीच उसका नाम है। तो वो बहुत ही खूबसूरत बीच है, क्लियर साफ़ सुथरा बीच है, और मैं इस वीडियो को वहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। जिद्दी बीच में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। यार यहाँ पर तो मज़ा नहीं आया, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर समंदर बहुत दूर हो गया है, बहुत दूर गया है, और दरमियान में कीचड़ है, आप देख सकते हैं। मैं समंदर के पास भी नहीं जा सकता। हमारे यहाँ से मैं डायरेक्ट वो दूसरी बीच पर जा सकता हूँ, मेरा इलाका है। आपका इलाका है, चलो ठीक है। अगर मैं फंस गया तो आपने मेरे पीछे आना है। I love you. यार माला खैर। एक मिनट, ये बाइक है, इसको मैं जाने देता हूँ, आगे हो जाओ। ठीक है जाओ। यह जगह उस जगह से अच्छी है, यहाँ पर समंदर काफी करीब है। यह है जिद्दी और ज़रैन बीच, जो कि पसनी शहर के पीछे वाकई है।
बलूचिस्तान के साहिल एक से बढ़कर एक है। कुछ आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे और कुछ मेरे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, लेकिन ये साहिल बाकी साहिलों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी मिट्टी थोड़ी सी चिकनी और आर्ट के लिए मौजून है, और यही वजह है कि यहाँ के नौजवान इन साहिलों पर ऐसे ऐसे फन पारे बनाते हैं कि इंसान इसको देखते हुए हैरान हो जाता है। ये रेत पर बने हुए तस्वीरें सिर्फ चंद घंटों के लिए होती है, लेकिन मेरे जैसे ब्लॉगर उसे कैमरा में कैद करके उसे पूरी जिंदगी के लिए महफूज करते हैं। दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं जिड्डी बीच, और आप देख सकते हैं पानी काफ़ी पीछे गया है। रात को पानी यहाँ तक होता है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ज़रैन बीच। दोनों बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। और अभी अभी मैं यहाँ पर बैठा था, मुझे यहाँ पर दो दोस्त भी मिल गए हैं, तो मैं आपको मिलवाता हूँ। ये एक भाईजान, क्या नाम है भाई आपका? हाँ जी, मुख्तियार अहमद। ये यहाँ बलूचिस्तान का है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये ओमान का हो, अरब हो, ठीक है ना। और ये दूसरा है बलूचिस्तान का है, लेकिन बिल्कुल पठान लग रहा है मेरी तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, और इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। मैं कल जा रहा हूँ गवादर, तो गवादर के बारे में इन दोनों ने मुझे काफ़ी अच्छी मालूमात दी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह गवादर में। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।